बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली। आज क्या दिन है? संडे। हाँ। भूल जाए, ये चल रहा है जी सुबह सुबह, और टाइम देखो 9:10 है, और आई एम रेडी जी, रेडी। जय श्री राम जी, जय बजरंग बली। तो मैं रेडी हो चुका हूँ जी दिल्ली के लिए। सरप्राइज बहुत हो चुके हैं, घर पे रहेंगे और 15 दिन बाद फिर सरप्राइज देंगे आपको। कहाँ चलेंगे, कहाँ दिखाएंगे, 5-7 एक हफ्ता या 10 दिन के लिए घूमने के लिए जाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों के लिए। और अभी हो रहा हूँ दिल्ली के लिए रेडी, नहा चुका हूँ, अभी उठा ही था मैं। वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ घर पर, बाहर भी अगर होता हूँ तो, अगर चक्कर नहीं होता तो 5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे उठने के बाद में 6 बजे तक अपलोडिंग पर लगा के सब कुछ करके फिर दोबारा से सो जाता हूँ। अब दोबारा से सो गया था, अभी उठाऊँ 8 बजे, नहा धो के अभी खाना खाना बाकी है, नाश्ता होगा, लंच ही कर लूँगा अब तो मैं। 3-4 रोटी जितनी भी खाई जाएंगी तो खाई जाएंगी, तो फिर तो शाम को ही खाई जाएंगी दिल्ली में। तो घर गोदा में जब पहुँचूँगा चक्कर बढ़ने के बाद में, फिर शाम को ही खाने को मिलेंगे। बीच में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो बाइक है अपने पास में, तो अभी तो बाइक लेके चलेंगे, और बीच में कुछ खाने को मिलेगा तो खा के चलेंगे और पहुँचते हैं जी, चलते हैं दिल्ली की तरफ, भागते हैं जी, शुरू करते हैं। पहला चक्कर आज भरेंगे, कल उतारेंगे, तो चलते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंग बली। वीडियो में एंड तक बने रहना, और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिख के जाना, ज़रूरतमंद आदमियों को अपनी वीडियो शेयर कर देना। हमारा सबका आपका सबका चैनल है, मेरा खुद का नहीं है, सभी का चैनल है। तो चलिए जी, जय श्री राम, जय बजरंग बली, भागते हैं जी, भागते हैं। कल गए थे हम घूमने के लिए कुरुक्षेत्र, देवा, कई जगह पर गए थे, लोकेशन बढ़िया बढ़िया थी, मगरमच्छ दिखाए लेकिन बढ़िया तरीके से दिखा नहीं पाए। और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है कृष्ण अर्जुन का, जहाँ पे उपदेश दिया था उनको, जहाँ पे कर्ण, जो कर्ण था उनका रथ दसा हुआ था, और श्री कृष्ण भगवान ने उनको, अर्जुन को शिक्षा दी थी कि भाई मारो और ख़त्म करो सब कुछ। वो रथ, उसका मंदिर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है कुरुक्षेत्र में, जो ज्योतिषर के पास में है। लोकेशन आप पूछ सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखे तो कल वाली वीडियो आप जाके देख सकते हो, जो आज ये अपलोड है तो इससे पहले वही व्लॉग अपलोड था, आप जाके देख सकते हो और शेयर कर सकते हो। आप हमारा हरियाणा, हमारा भारत, जय हिंद। देख भी इधर रखो, किसका पप्पा वही में? विनीत तेरा कौन है भाई? पापा आजा जी। गिर 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 पानी बाय करते, बाय, चलते हैं फिर, चलते हैं, चलते हैं, भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं। रोटी खानी है भाई किसी ने? लो जी दाल रोटी है। ओलो खाना खाना है मेरे के, लखा हुआ है, रुको जा फिर कंबल सही कर। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय जलाली, जय जलाली। बिल्लू देखे को था, बिल्लू के को था, बिल्लू तो के को था, बैग मैं पहले एक जना कर लंदे, कनी ने कर लंदे, कनी हाथ के को था, ओडा ओडा मम्मी ने कहो के को के काम कर लग रहे भाई? तो चल रहा है दिल्ली, दिल्ली काम कर रहा है, तो कर ले, बाय बाय। ले लिया जी, और बाइक स्टार्ट करके दोबारा बंद कर दी थी, 5 मिनट स्टार्ट करके विनीत बंद करके चाबी ले गया ऊपर, कह रहा वैसे ही चल रही थी। चलते हैं जी, भागते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, निकलते हैं। चले सर, जय श्री राम, जय श्री, जय बजरंग बली, जय बजरंग, निकलते हैं। 15 दिन बाद तैयार रहना, ठीक है? कर जाओ, सरप्राइज है, सरप्राइज घूमने के लिए ऋषिकेश चल रहा है।
कहीं पर भी चलना, ले लद्दाख, देहरादून, केदारनाथ, श्री राम मंदिर, अयोध्या। जी पेट्रोल डलवा लिया, राजौंद पहुंचे हैं। फिर तो पानीपत वाली नहर पे पहुंचे और यहाँ से फाटक, पहले यहाँ से जाते थे पर अभी अंडरपास बन गया, यहाँ से ट्रेन गुजरती है ऊपर से, अंडरपास बना दिया, उसके बाद में फिर ये बंद हो गया रास्ता। डेढ़ घंटे का, एक घंटे का ये रास्ता रह गया, बीच में पहुंच गए हैं। सफेदों से पार करके नहर है ये रास्ता दुर्गवाना जाता है, सफेदों से नहर के रास्ते, नहर के रास्ते 10 किलोमीटर, बाकी आगे फिर सिंपल रोड है। लो जी गोवाना पार कर दिया, और फालूदे का गिलास पियेंगे, घोड़ा स्टार्ट ही है सीधा खरखोदा 37 किलोमीटर। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो पहुंच गया जी कमरे पे, बाइक अंदर घुसाएंगे, ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट स्टार्ट रखेंगे, फिर भागेंगे, कहाँ जाएंगे भरने के लिए दिखाते हैं जी आपको, बने रहिए वीडियो में। श्री राम चलते हैं जी, भागते हैं, 2:30 बजे हैं, 2:30। जय श्री हरि ओम, नमो नारायण। जय महाराज श्री राम, हरे राम। भागते हैं जी, भागते हैं भट्टे की तरफ भरने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गुरु महाराज, दरबारी दास जी महाराज, पूरा स्टॉक बच्चे में लाके डालने के लिए। जो बेकार इंटे हैं वो निकाल दी, सूखने के लिए जो भीगी हुई है। पहुंचे हैं जी JBF STF भट्ठे पर, यहाँ से भरेंगे 5500 इंटे। घर से चले 8 किलोमीटर तितर मोड़, तितर मोड़ से राजौंद होते हुए असंध, असंध होते हुए सफेदों, सफेदों होते हुए गोहाना नहर के रास्ते, और गोहाना से पार करते हुए गोहाना को खरखोदा, खरखोदा से कमरे है वहाँ पे, वहाँ से स्टार्ट करके ट्रैक्टर कमरा खड़ा था, वहाँ से स्टार्ट करके लेके आए हैं, बाइक वहीं पर छोड़े आए,
तो ट्रैक्टर लेके भट्टे पर पहुँचे हैं। 15 से 10 किलोमीटर भट्टे होते हैं, तो यहाँ से भरेंगे और यहाँ से भर के फिर कमरों पर जाएंगे। कमरे पर रात को रुकेंगे, रात को फिर सो के सुबह 2 बजे वहाँ से 2 से 3 के बीच में निकलेंगे। वहाँ से निकलेंगे फिर दिल्ली बॉर्डर पार करके दिल्ली जाएंगे उतारने के लिए। वो प्रोसेस कल दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ से भरते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। चिट्ठा बाहर कोई बढ़िया तो है नहीं, दिख नहीं रहा मेरे को। श्री राम, और आग छोड़ रखी है इन्होंने भी। 1 मार्च के बाद तो सभी ने लीगली आग छोड़ रखी और भराई चली गई अंदर। देखते हैं कहाँ से भरेंगे। बूंद मार भर रहे हैं, बूंद मार है इसमें भर रहे हैं। साफ चिट्ठा बाहर तो नहीं है कोई, उस साइड में देख के आ रहा हूँ। यार तो उस साइड में भी ऐसी चिट्ठे मिले, लेकिन फिर देखने तो पड़ेंगे। भरनी तो हाई है, साफ इंटे बढ़िया इंटे भरनी पड़ेंगी। पहले ही दिन है ना घर से आने के बाद में, तो पहले दिन में ऐसा कोई लफड़ा मांगता नहीं कि भाई पहल हो जाए या कुछ भी हो जाए। बाहर लगी तो ये और ये पहले जैसी जो पहले गई हुई है उनकी तरह नहीं है। एसटीएफ की इसके अंदर मौजूद है, लेकिन हमें चाहिए JBF, चाहिए JBF, JBS, क्योंकि जब एक बार 1 मार का फेल हो जाए तो उसको फिर दोबारा रिपीट करने में बड़ी दिक्कत होती है। है तो है इसमें JBF मिक्स हैं, और चलो देखते हैं। इसका कलर थोड़ा सा डाउन है, है तो है JBF। इंटे तो बढ़िया है, तो चलो देखते हैं, लगाते हैं पहले। हाँ इसमें सारी JBF है। और यहाँ पे चली हुई है भराई अंदर, अभी तो छुट्टी कर गई है। इधर देखते हैं कोई चट्ठा निकला हुआ है, साफ ही नहीं। सबसे बेहतरीन चट्ठा निकला हुआ है वैसे तो। सबसे बढ़िया इंटे हैं में, लगाते हैं फिर भरते हैं। ये देखो पूरा बढ़िया चट्ठा है, इसे डाला खोल के लगा तो दिए। लेबर वाले है ही नहीं है, बुला रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। ये मशीन है कोयला पीसने वाली, इससे पीसते हैं फिर अंदर डालते हैं चढ़ाई में। पूरा स्टॉक यहाँ से डालना शुरू कर दिया, पीछे तक डाल देंगे। और यहाँ से खुलेगी पहली निकासी, वहाँ से भराई शुरू है और यहाँ से खुलेंगे। यहीं आसपास में लगाएंगे चट्ठे इसी से, और ये पूरा पुराना माल पड़ा है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर भी कहीं कहीं से पानी चला गया, क्या करें भाई मजबूरी होती है, कहीं से फट जाता है कई बार तरपाल। 4:30 बज गए, अभी पहुँचे लेबर वाले, देखता हूँ लगाते हैं भरवाता हूँ। लगा के आ गए हमें, भरने लग गए हैं। 4 बंदे बड़ी मुश्किल से लेबर मिले आज। वो कहीं लेबर वाले कहीं चक्कर उतारने के लिए गए बहादुरगढ़ वगैरह, वो लेट हो जाएंगे। दूसरे भट्टे से लेबर बुलवाई है, एक बंदा यहीं से था। कब करी आग इसमें ने? कब करी आग? तो 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। ये लोग इंटे फूक रहे हैं कोयले के साथ में। इतने भट्ठे देखो चल रहे हैं, सारे के सारों में आग आई हुई है। और यार के वन वहाँ भरने लगी हुई है। और यहाँ फिर
ईंट भर के कच्ची मिट्टी के अंदर, फिर ऊपर से रापस डालते हैं, ऊपर से तरपाल डालते हैं, सील लेना ताकि यहाँ चला हुआ इंजन। वहाँ भरने के लिए घनी बढ़िया ईंट आज तो बिल्कुल सोने जैसी। आगे तो लगा अगर बीच में टाइट हो जाएगी। मेरा वो भाई है ना, चारधारी बग्गी और बीच में पटका डंडा आ गया 19 का ऊंचा। चारधारी आएंगी इधर, 8 धारी पटका डंडा कंप्लीट। पल्लड़ रस्सी मारेंगे, ले जी रस्सी लग गई है। सूर्य देवता जी महाराज, बरगी जी रस्सी लग गई है कंप्लीट, भागते हैं रोड़ा चेकिंग। और वे बारिश का माहौल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने निकल के रस्सी लगाते लगाते। जो डीजल डलवा के पोल्यूशन कटवाया। पहुंच गए जी कमरे पे, ईंट जहाँ भी होटल लगाते हैं वहीं पे गिर देते हैं, साइड में डलते ही नहीं है। ड्राइवर लेबर वाले ऐसी काम चाहिए। तो जी भूख लगी हुई है, खाना खाएंगे बस अब तो, खाना खाने के बाद में मिलते हैं। तो जी खाना खा के आ गया हूँ। चलिए जी कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। तो चलिए जी इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली। कल को बताऊंगा पूरी इनकम, पूरा सोर्स कैसे कमाते हैं, कितना किराया होता है, कितना खर्चा होता है, सब कुछ डिटेल में कल बताऊंगा। मेरे को याद रह गया तो फिर बता दूंगा कल को, नहीं तो अगले दिन, नहीं तो फिर उस अगले दिन, मेरे को याद नहीं रहता ना कई बार। चलिए एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।